हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हमने लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन का टॉपिक कवर किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रेस्पिरेशन। ओके, तो देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन में आपने फूड लिया, फूड को एब्जॉर्ब करवाया। अब क्या होगा, रेस्पिरेशन में जो आपने फूड लिया था उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उससे हर एक सेल एनर्जी रिलीज करेगी और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम यहां पर लेकर चलते हैं ग्लूकोज। जैसे भाई हमने क्या खाया था, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद क्या बना था, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो गया था। ग्लूकोज क्या होगा, पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनेगा कहां पर, सेल के साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बन गया। अब इस पाइरूवेट का डिग्रेडेशन होगा, इससे एनर्जी रिलीज की जाएगी, और वो एनर्जी जो होगी वो तीन मेथड से रिलीज की जाएगी। एक तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी बहुत सारी, जब ऑक्सीजन बहुत सारी प्रेजेंट होगी तो जो रेस्पिरेशन होगा वो कहलाएगा एरोबिक। ठीक है, हम हैं जैसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब वो ऑक्सीजन अंदर जाकर क्या कर रही है, वो पाइरूवेट को ब्रेक कर रही है। किसमें, जब ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो पाइरूवेट जो होगा वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ठीक है, क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो हम रिमूव कर देंगे, वाटर जो होगा वो कुछ रिमूव कर दिया जाएगा और कुछ हमारी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, और एनर्जी जो होगी वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक जो प्रोसेस चल रही है उनके अंदर काम आएगी। दूसरी प्रोसेस होगी जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो, मैं ये प्लस का निशान है प्रेजेंट और माइनस मतलब एब्सेंट, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अनैरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है तो जो पाइरूवेट होगा उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा और उससे क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। ठीक है, इथेनॉल क्या होगा, एक अल्कोहल होगा जो कि हम बॉडी से रिलीज आउट नहीं कर सकते, तो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन कभी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अनैरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर होती है, सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी के अंदर होगी, और उससे एल्कोहल प्रोडक्शन किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ अनैरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें इथेनॉल, कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो होगी वो बहुत कम मिलेगी। ठीक है, एनर्जी मिलेगी लेकिन बहुत ही कम होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, एक तीसरी प्रोसेस होगी ऑक्सीजन डेफिशिएंट, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। यहां पर तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो उससे क्या बनेगा, उससे लैक्टिक एसिड बनेगा, और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होगी लेकिन वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट रेस्पिरेशन कब होता है, जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो मसल्स होंगी, हमारे जो बाइसेप्स होंगे, उनकी जो मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, फोर लिम्स या हिंड लिम्स किसी की भी लगा लो आप, वो उनके अंदर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर पाइरूवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और लैक्टिक एसिड बन जाएगा।
इस लैक्टिक एसिड को हम रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और हमें दर्द होने लग जाएगा थोड़ी देर बाद ही, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि आप जब हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके मसल्स के अंदर पेन क्यों होता है, तो हम बताएंगे कि वहां पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। उसको कंपनसेट करने के लिए, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को हम कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, फास्ट ब्रीथिंग करते हैं। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे एनर्जी तो रिलीज होगी लेकिन एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में होगी, ठीक है। इसलिए आप थोड़ी देर बाद थक जाओगे और जो लैक्टिक एसिड होगा वो अपने आप वहां पर डिग्रेड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिमूव आउट कर दोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारी नॉर्मली रेस्पिरेशन की। अगर हम बात करें इस एनर्जी की, तो ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी इसमें क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या होगा, एक एडिनोसिन बेस होगा और उसके साथ तीन फॉस्फेट अटैच होंगे, ट्राइफॉस्फेट है मतलब तीन फॉस्फेट अटैच होंगे। जैसे ही ये ब्रेक होगा वैसे ही एनर्जी रिलीज होगी, जैसे ये ब्रेक होगा वैसे ही फिर एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। तो एटीपी, ठीक है, जब एक ब्रेक हो जाएगा, जब एक ब्रेक हो गया तो दो फॉस्फेट बचे, अब ये हो गई एडीपी, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बन गई, और इसके बाद जब एक और टूट जाएगा तो क्या होगा, एएमपी, मतलब एक फॉस्फेट बचेगा तो मोनोफॉस्फेट यूज करेंगे हम, ठीक है। ट्राई मतलब तीन फॉस्फेट, डाई मींस दो फॉस्फेट और मोनो मींस सिंगल फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप प्लांट्स के अंदर बात करो तो प्लांट्स के अंदर बहुत ही मतलब वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पर भी बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मली जो क्रैब साइकिल होती है वो प्लांट्स के अंदर क्या है, रेस्पिरेशन करवाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स। तो देखो एक्वाटिक एनिमल्स, और यहां पर मैं ले रही हूं क्या, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक पानी में रहेंगे, टेरेस्ट्रियल अर्थ पर रहेंगे। पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जबकि एयर के अंदर, मतलब टेरेस्ट्रियल कहां से लेंगे, एयर से लेंगे, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉटर। तो वॉटर के अंदर जितने भी एनिमल्स रहेंगे उनकी ब्रीथिंग रेट फास्टर होगी। जैसे हम फिश की बात करें तो फिश जो होगी वो फास्ट ब्रीथिंग करेगी एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो वो जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करेगी, ऑक्सीजन को कैसे लेती है, पूरे पानी को अपने मुंह में भर लेगी, उसके बाद वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, गिल्स में भेज दिया जाएगा, पानी को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्या बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, तो हम बताएंगे कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और एयर के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनकी जो रेस्पिरेशन होती है उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं कंज्यूम होगी, जबकि एक्वाटिक जो होंगे उनकी ब्रीथिंग रेट फास्टर हो जाएगी और उनके अंदर जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा वो ज्यादा होगा इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। अब हम ब्रीथिंग की बात करेंगे इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है हमारी नोज और ये है हमारा माउथ। तो यहां से भी होगा और यहां से भी होगा, ठीक है। अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो ये नेजल कैविटी के थ्रू एयर एंटर करेगी, और अगर आप मुंह से सांस लोगे तो माउथ कैविटी या जो भी आप बोल रहे हो बकल कैविटी, वहां से नॉर्मली जो एयर होगी वो एंटर करेगी। इसके बाद ये जो एयर होगी वो जाएगी ट्रैकिया या
एयर पाइप या विंड पाइप बोल लो, ठीक है, ट्रैकिया में चली जाएगी, उसके बाद दोनों लंग्स में ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या है, हमारे लंग्स हैं, ये रहे हमारे लंग्स, ठीक है, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया होगी, ये अब फर्दर ब्रांच हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो होगी इसको बोलेंगे हम ब्रोंकाई, ये जो इसकी ब्रांचेज हैं इनको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, और ये ब्रोंकियोल्स लास्ट में जाकर कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, इनको बोलेंगे हम क्या, एल्वियोलाई। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारी माउथ, सॉरी, हम अगर मुंह से रेस्पिरेशन कर रहे हैं या नाक से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो सीधी जो विंड होगी वो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया के अंदर जाएगी। ठीक है, एयर के लिए ट्रैकिया होती है या विंड पाइप होती है, और फूड के लिए फूड पाइप या ईसोफेगस होता है। ट्रैकिया के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर रिंग्स होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, कभी पूछ ले तो ये होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या होगा, अब ट्रैकिया जो होगी वो दोनों लंग्स के अंदर डिवाइड होगी, और इन ब्रांचेस को बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स आर द फाइन ट्यूब्स, देन द ब्रोंकियोल्स आर टर्मिनेटेड इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एल्वियोलाई, एंड दीज एल्वियोलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्या होगा, इन एल्वियोलाई के बिल्कुल पास में, मान लीजिए यहां पर भी एल्वियोलाई है, ये जो एल्वियोलाई होगी इनके यहां पर क्या होगी, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल को मैं रेड कलर से बनाती हूँ, ये है कोई ब्लड वेसल, ठीक है। क्या होगा, ब्लड यहां से ऑक्सीजन ली हमने, इनहेल की हमने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आई ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोलाई, यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन पहुंच गई यहां, ये बता रही हूं मैं, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ब्लड जो होगा इस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा कहां, टिश्यूज के पास, और टिश्यूज को ये ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा, जो पाइरुवेट था, ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बना था, उससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वापिस लेकर आएगा यहां। अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां वापस भेज दिया जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां गई, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया और नोज के थ्रू बाहर, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल जो प्रोसेस है वो हो गया ब्रीथिंग का, और ब्रीथिंग के बाद जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एरोबिक हो सकता है, अनएरोबिक हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो सकता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की सॉरी कमी के कारण, कमी में भी हो सकता है, ठीक है। अब एक बार हम एरोबिक और अनएरोबिक में डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखती हूं एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहां पर है ये अनएरोबिक। तो देखो एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, अनएरोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ठीक है। एरोबिक में मोर एनर्जी रिलीज्ड, लगभग कितनी, 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स, वाइल यहां पर ओनली 280, ठीक है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ अनैरोबिक रेस्पिरेशन इज इथेनॉल, एल्कोहल प्लस थोड़ी बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। और एनर्जी दोनों में ही है, इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत ही ज्यादा है।
ठीक है, तो ये हमारे एरोबिक और अनैरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ इसमें क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।